नमस्कार मित्रों, वीडियो में तुम्हारू स्वागत है। मित्रों, चैनल पर नवा हो तो लाल बटन पर क्लिक करी चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करी देजो। मित्रों, बात करें मोटा समाचार नहीं तो मित्रों समग्र उनाळानी हैरानगति बाद खेडूतो माटे वधु एक मोटा समाचार सामे आवी रह्या छे। हवामान विभागना जणाव्या अनुसार 7 जून पछी अरबी समुद्रमा वधु एक वावाझोडुं सर्जावा जई रह्युं छे। भारतीय हवामान विभागे 7 जून सुधीमां अरबी समुद्रमा लो प्रेशर विस्तार बनवानी आगाही करी छे। केंद्रीय हवामान एजेंसीए जणाव्युं हतुं के 5 जूननी आसपास दक्षिण पूर्व अरबी समुद्रमा चक्रवात परिभ्रमण रचाय तेवी शक्यता है। तेना प्रभाव हेठ आगामी 48 कलाक दरमियान तेज प्रदेश पर नीचा दबाण की शक्यता है। हाल भर उनाळे जे प्रकार गुजरात विविध जिल्लाओं में वरसाद पड़ी रो है एक गंभीर बाबत है। गुजरात माटे मसमोटा वावाझोडानुं जोखम तोड़ाई रह्युं छे, जे अरबी समुद्र में थती हलचल ने कारण बंगाळानी खाड़ी में पण वधु एक वावाझोडुं सक्रिय थवानुं अनुमान लगावाई रह्युं छे। मित्रों, बात करीए आगळ तो चौमासानी शरूआत थाय ते पहला ज वावाझोडुं आवशे। जो कि बंगाळानी खाड़ी में मोचा वावाझोडुं सक्रिय थयुं हतुं, तेना कारणे चौमासाना आगमन पर असर पहोंची छे। केरळना चौमासुं मोडुं बेसे छे। केरळ में 1 जून आसपास चौमासुं बेसी जतुं होय छे, परंतु चालू वर्षे चौमासुं मोडुं बेसवानुं अनुमान छे। केरळ तरफ चौमासुं आगामी वरसी रह्युं छे। चौमासाने आगळ વધવા માટે स्थिति सानुकूल छे। गुजरात राज्य में छेल्ला 3-4 दिवसथी वेस्टर्न डिस्टर्बन्सना कारणे कमोसमी वरसाद वरसी रह्यो छे। ત્યારે હવામાન વિભાગે આજથી 5 દિવસ સુધી વરસાદની આગાહી કરી છે। ગુજરાતમાં વધુ એક સાયક્લોનિક સિસ્ટમ સક્રિય થતાં 50 કિમીની ઝડપે રાજ્યમાં પવન ફૂંકાઈ શકે છે, જેને લઈને બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, સુરત, વલસાડ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। નવસારી, દમણ, સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છમાં પણ ભારે પવનની આગાહી કરવામાં આવી છે।